हेलो गाइस, आप देख रहे हो साकिल लाइन चैनल। तो फटाफट से आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आज जो है ना, हम जो पिजन से ना गाइस, उनके लाफ्ट को करने वाले हैं क्लीन। ठीक है गाइस, सॉरी आई मीन केज को करने वाले क्लीन। एंड वहां पे रहा लॉफ्ट। सो गाइस, हम जो है ना लॉफ्ट में पिजन्स को थोड़ी देर रखेंगे। एंड आपको बच्चों की, जो कबूतर के बच्चे हैं, उनकी भी अपडेट दे देता हूँ वैसे ही। सो अभी तो पहले हम करते हैं इसको साफ। सो केज जो है ना गाइस, लिटिल बिट हैवी होता है, तो उसको नानू को अच्छी तरीके से आता है उसको साफ करने। तो नानू करने वाले हैं साफ। मैं तो सिर्फ अभी कबूतरों को जो है ना, मेरे लिए नानू बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको पिजन्स अपने बहुत पसंद है। ठीक है गाइस, तो अभी मैं फिलहाल जो है ना, कबूतरों को पहले उस लॉफ्ट में रखता हूँ। देखिए गाइस, पहले मैं अपने मेल पिजन को पकड़ता हूँ। सो गाइस, ये जो है ना मेरा मेल पिजन है, देखिए कैसे कर रही है अपने पर, माशाल्लाह। तो बहुत ही बचपन से पाला है इसको मैं, जब से अंडे में से निकला है तब से पाला है इसको। ठीक है, माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया ये। सो आपका शौक, इसका शौक भी आपको कराता हूँ गाइस। सो देखिए गाइस, एकदम इसकी आँखों की जर्दी जो है ना, एकदम वाइट है। ठीक है गाइस। सो गाइस, ये देखिए पर भी बहुत अच्छे कलर में है। एंड इसके पायर देखिए गाइस, पंजे। तो अभी इसको अभी इस पे रखते हैं गाइस, साथ में फटाफट से रख देते हैं इसको नीचे के साइड। अगर मैं ऊपर की साइड डालूंगा ना गाइस, बहुत ही परेशानी हो जाएगी। इस पे मैंने अभी तक वो भी नहीं रखा, क्या कहते हैं इसको, पेपर जो है ना, नीचे के लॉक में नहीं रखा, अभी रखूंगा गाइस आपके सामने। तो गाइस, हमारी फीमेल पिजन भी मैंने बाहर निकाली है, बहुत ही गंदी है गाइस अभी तो फिलहाल, क्योंकि मैंने इसको नहलाया वगैरह भी नहीं। आपको पता है, जब ये बच्चों पे या अंडों पे बैठी होती है, तो इसको हीट की बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये हीट से बिल्कुल भी ठंडे में आ गई, तो अंडे ख़राब हो जाएंगे और बच्चों को जो है ना, वार्म तो नहीं मिलेगा। ठीक है, गर्म जो है ना, वो वार्मनेस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इसके भी आपको पर का शौक कराता हूँ गाइस। ये देखिए माशाल्लाह, ब्लैक एंड वाइट। एंड ये कौन सा पिजन है आप ज़रूर कमेंट करना, और जो मैंने व्हाइट वाला जो मेल बताया था वो भी बताना। ठीक है गाइस, तो ये देखिए ब्लैक आइस, ब्लैक में थोड़ा सा ऑरेंज है। ठीक है गाइस, ऑरेंज रेड ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये चोंच देखिए गाइस, उसकी थोड़ी सी मेरून थी, ये वाइट है। ठीक है, एकदम पिंक कलर की है। ठीक है, एंड इसके पंजे देखिए एकदम ऑरेंज, जैसे कि आप कैरेट खाते हैं ना, वैसा ऑरेंज है गाइस। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी रखता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिजन है, बट इसके ऊपर व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है आपको, इसकी गंदगी है। ठीक है, तो इसको नहलाना भी बाकी है, इन दोनों को भी नहलाना है। ठीक है, व्हाइट पे भी बहुत सारी डर्ट है, पर आपको दिख रही नहीं क्योंकि वो व्हाइट है। ठीक है गाइस, तो इसको भी साइड में रखता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। ठीक है गाइस, सो ये रही हमारी फीमेल पिजन। सो इसने मेरे हाथ के ऊपर पूप कर दिया, एक सेकेंड। सो गाइस, ये रहा है हमारे छोटे से बेबीज। सो इनको भी वो लॉफ्ट में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है गाइस, देख सकते हो कितना गंदा है ये लॉफ्ट अभी, आई मीन केज यार, लॉफ्ट बना जब से यार, जब से मैं लॉफ्ट ही कह रहा हूँ। सो दिस इज़ माई केज, तो ये केज को अभी क्लीन करना है बहुत। सो देखिए, छोटे से बेबीज को मैं रखता हूँ वहाँ पर दूसरे लॉफ्ट में। ठीक है, तो मैं बेबीज को धीरे धीरे निकाल रहा हूँ गाइस, मेरे को डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं छोटे बेबीज को ज़्यादा छीता भी नहीं हूँ। ठीक है, आज तक मैंने नहीं छिया, पहली बार मैं छी रहा हूँ अपने पिजन के बेबी, सच्ची बता रहा हूँ गाइस, पहली बार मैंने छिया है अपने पिजन्स के जो बेबीज है, वो पहली बार छिया है। ठीक है, तो ये वाला बिग है, ये वाला बड़ा है देखिए गाइस, एंड ये वाला थोड़ा सा छोटा है। निकाल दो ये पहला। सो गाइस, ये देखिए, ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो बड़ा है, यानी ये पीछे वाला छोटा है। देखिए गाइस कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। सो मे बी ये इसका देखिए मुंह थोड़ा सा काला है, इसका मुंह पिंक। ठीक है, अभी इसको वहाँ पे रखते हैं। सो गाइस, ये माशाल्लाह अपने दो बेबीज है, तो इसको फिलहाल यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस माशाल्लाह, ये अपने बेबीज इतने प्यारे हैं गाइस। ओहो, मेरे को मार रहा है भाई, ऐसी झपकी पड़ी हाथ पे। सो गाइस, एट द एंड माशाल्लाह, देखिए
मेरी नानू की मेहनत से जो है ना मेरा लॉफ्ट एकदम से साफ हो चुका है, देख सकते हो आप माशाल्लाह। बस यहाँ पे ऊपर पे एक जो कपड़ा था वो लगाने का, जैसे कि आप वहाँ पर देख सकते हो उसको। सो नीचे भी थोड़ी गंदगी है, उसको भी साफ़ करना है। मतलब गंदगी कुछ भी नहीं है, वो जो खाते हैं ना गाइस सीड्स, आई मीन ग्रेन्स, जैसे कि जवारी बाजरा गेहूँ, वो थोड़ा बहुत नीचे गिर गया था। सो उसको जो है ना क्लीन करना है, एंड इसकी जो भी गंदगी साफ़ कर रहे, जब थोड़ा बहुत गिर गया था तो उसको भी हम साफ़ कर लेके डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है गाइस। सो एट द एंड देखिए माशाल्लाह कितना अच्छी तरीके से जो है ना हमारा केज जो है क्लीन हो चुका है, ठीक है गाइस। ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि जो है ना इसको रात के वक्त गर्मी ना हो, सुबह के वक्त हो गाइस। अभी तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही हीट है, बहुत ही गर्मी है। सो ऐसे टाइम पे जो है ना ये हम नो सामने खुला रहता है, ठीक है। रात के टाइम जो है ना हम बंद कर देते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे रात में बहुत ठंड होती है और गर्मी में आई मीन शाम में बहुत गर्मी होती है, ठीक है गाइस। धूप काले में बहुत धूप होती है, एंड जो ठंड काला होता है उसमें बहुत ठंड होती है, ठीक है गाइस। तो अभी देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जो है ना हमारा केज क्लीन हो चुका है। पर जो भी पानी पीने के लिए और उनके फीट के लिए जो भी यहाँ पर बाउल्स थे वो वापस हमने बंद दिए है। ये वाटर का बाउल है, एंड वहाँ पर जो है ना उनके फीट का कप है, ठीक है गाइस। एंड हमने पेपर लगा दिया जैसे कि हम कभी भी लगाते हैं, पर जो है ना गाइस इस टाइम हम ना ही लगा पाए क्योंकि उसके बेबीज को या उनके अंडों को हम जो है ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। सो इस वजह से हमने नहीं लगाया, ठीक है गाइस। और पेपर नहीं निकाला ना कि क्लीन किया, ठीक है। आज हमने जो है ना बेबीज थोड़े से बड़े हो चुके हैं, सो दैट हमने उनको टच किया और जो है ना उनके साथ थोड़े बहुत मज़े किए, मतलब देखे उनको अच्छी तरीके से। आज जो है ना मैंने कबूतर के बेबीज अच्छी तरीके से देखे बहुत दिनों के बाद। सो गाइस अच्छी तरीके से एकदम क्लीन हो चुका है। सो मेरे नानू जो है ना कबूतर के जो फीड है उनको डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरे नानू डाल रहे हैं, ये देखिए फुल हो चुका है कप, एंड यहाँ पे वाटर भी दे देंगे मेरे नानू अभी। सो मैं नानू को बोलने से पहले यहाँ पे पानी भी नानू ने डाल दिया, ठीक है। सो माशाल्लाह अच्छी तरीके से ये क्लीन हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइस एट द एंड हम जो है ना इसको भी लगा देंगे जो इसका ऊपर का मैट था, ठीक है। पहले जो है ना गाइस हमारे जो पिजन के बेबीज़ हैं उनको हम रख लेते हैं केज में, ठीक है गाइस। तो पहले मैं एक एक बेबी लेके जाऊँ या दो लेके जाऊँ? पहले एक ले आता हूँ गाइस, पहले एक एक ले जाता हूँ क्योंकि मेरे को डर है यार अचानक से, तो ले आना थोड़ा सा मुश्किल है। केज से आते जब तो मेरे हाथ में कैमरा नहीं था तो मैं आसानी से ला पाया, पर अभी मैं एक हाथ से इसको लेके जाता हूँ, ठीक है। सो ये देखिए बेबी, छोटा सा बेबी, प्यारा सा बेबी, क्यूट सा बेबी। इसकी आँख देखिएगा इस, अभी जो कलर है ब्लैक ही दिखेगा आपको, पर जो बड़े होने के बाद कलर आता है ना वो अलग होता है, ठीक है गाइस। अब उसकी आँख जो है ना अच्छी तरीके से खुलती है, अलग तरीके की दिखती है बाद में, ठीक है। सो अभी हमने एक बेबी को जो है ना अच्छी तरीके से रख दिया, तो देखिए गाइस कितना क्यूट है माशाल्लाह से। सो मैं अभी दूसरा बेबी भी लाता हूँ। सो मैं आने से पहले ये मेरे को देख रहे हैं कहाँ जा रहा है बंदा, हमको कहाँ रखा है। पहली बार मैं जो है ना इन दोनों को रखा है यहाँ पर अभी के लिए तो फिलहाल। सो हम तो उसी केज में रखेंगे जैसे कि हम रखते थे अभी, तो क्योंकि ये बच्चे बड़े होना है तब हम जो है ना अलग से इनको रख सकते हैं। अभी तो फिलहाल इस बच्चों को ऐसे ही इस लॉफ्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी मैं इसको भी छोटे बेबी को रख देता हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली ये दोनों एक साथ ही आए थे अंडे से बाहर, पर गाइस हम इनको छोटा बड़ा क्यों कर रहे हैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए इसका साइज़ जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, जो वाइट चोंच है इसकी, एंड इसका जो साइज़ जो है ना थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। इसलिए उस वास्ते मैं इसको छोटा बड़ा कह के आपको बता रहा हूँ। सो इन दोनों को अभी यहाँ से निकालते हैं गाइस, एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं इसको लगा लूँ, ये अपने आप ही वहाँ पर चले जाएंगे, देखना। चलो अपने लॉफ्ट में, अपने केज में चलो, चलो अपने केज में चलो यार, बहुत दिन से ये उड़े भी नहीं, तो ये देख सकते हो अपने अपने केज में चले जाएंगे। केज केज पिछ केज पिछ, चलो माशाल्लाह से देखिए ये दो भी जो है ना केज में जा चुके हैं। ये देखिए गाइस अपने बेबीज के पास ये आ चुके हैं, अब इनको जैसा मर्जी वैसा इन
अब आराम से फिट करा सकते हैं और जो है ना इनके लिए स्पेस खुला है। एंड गाइस आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैंने ऐसा दो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक ऐसे मैंने रखा था, दो लकड़ी दो स्टिक्स ऐसे छोटे पीसेस ऐसे रखे थे, क्योंकि गाइस जो अंडे हैं ना स्लिप होके यहाँ पे आ रहे थे बार बार, सो दैट मैंने वैसे लगाया। मैं एक्स को जो है टच नहीं किया, लास्ट टाइम ऐसा हो रहा था तो मैंने नोटिस करके दूसरे बार अच्छी तरीके से लगा दिया ताकि एक्स नीचे ना आए, सो वो अच्छी तरह से हीट पर कर पाए गाइस। सो मैंने ऐसा रखा था तो माशाल्लाह से हमारा रिजल्ट जो है ना प्यारा सा आया है, ये दो बेबीज। एंड ये गुटक रहा है बहुत ज़्यादा, एंड मेरे को अभी मारेगा भी, हाथ रखूँगा तो ओ भाई बहुत ही चोंच मारता है ये। एंड ये देखे हमारा तीसरा पिजन जो है ना ऊपर मैंने छोड़ा तो वो आ चुका है ऊपर, सो ये अभी बहुत ही ऐसे मस्ती करेगा। सो गाइस नेक्स्ट टाइम जब एग्स आएंगे तब भी हम ऐसे ही रखेंगे, पर मेरा जो गाइस एग्स रखने का कुछ भी मन नहीं है, ठीक है एग्स मैं फेंक दूंगा ऐसा कुछ करूँगा, ठीक है तो ऐसा सोच रहा हूँ बस पांच से ज़्यादा कबूतर और नहीं गाइस, ठीक है ऐसे मैं रखूँगा। सो देखिए आज मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट पीजीएन के बारे में और केज को भी जो है ना लॉफ्ट क्लीन कर लॉफ्ट सॉरी केज क्लीन करके मैंने बता दिया आपको। एंड ये अपने बच्चों को थोड़ा बहुत खुंदल रहा है यार, दो तीन बार खुंदल रहा है भाई, मतलब उतना गुस्से में दौड़ रहा है ये, पर कुछ भी नहीं होता गाइस, उनके जो बेबी से उनको पता होता है कैसे रखना। सो ठीक है, सो गाइस फाइनली जो है ना हमारा ये ऊपर का जो देख सकते हो मैट वो भी हमने लगा दिया है, इसका मैट जो था, सो ऐसा कुछ है अभी फाइनली अच्छा सा लुक आ रहा है, ठीक है। सो देखिए हमने कीले ऑलरेडी लगा के वहाँ पे कीले के ऊपर ये केज जो है ना वो पूरा रखा हुआ होता है ताकि ये ना गिरे, हमने कीले ऑलरेडी लगा के वहाँ पे, और प्लस यहाँ पर जो है ना गाइस ये भी हमने एक्स्ट्रा बन दिया ताकि अगर ये गिरने का चांसेस होगा तो भी ये कवर कर लेगा, ठीक है। वैसा तो कुछ भी नहीं होता, बहुत ही स्ट्रांग है हमारा जो केज हमने बनाया है, ऐसा कुछ भी ना हो अल्लाह करे, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से हमने बन दिया, और वो जो है ना अंदर फीड कर रहे हैं, देखिए अपना आप खा रहे हैं वहाँ पर, सो दोनों भी खा रहे हैं एंड अपने बेबीज को भी वो खिलाएंगे, ठीक है अब थोड़ी देर के बाद। सो गाइस ये रहा हमारा जो फाइनली बन के जो है ना अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, जो अंदर का जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको हमने क्लीन करके डस्टबिन में डाल दिया है, तो फाइनली जो हमारा केज है ना गाइस एकदम फिट फाट और अच्छा लग रहा है। एंड ज़रूर कमेंट करना गाइस कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग बाय शेयरिंग, सो शेयरिंग इज़ गुड केयरिंग, सो बाय गाइस।